अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्जेशन में। कितनी खुशी है, मतलब करोड़पति तो बनी चुकी हैं आप, 1 करोड़ की मालिक की, तो कितनी खुशी हो रही है और क्या सोच के आई थी कि बन के जाऊंगी कि नहीं? बिल्कुल, मेरे पास और ऑप्शन नहीं था एक्चुअली, मुझे बनना ही था भाई हो बिल्कुल किसी तरीके से। हमारे पास साधन की बहुत कमी थी और मुझे चाहिए था कि कोई ऐसा रास्ता निकले जहाँ से हमारे पास कुछ रिसोर्सेस हो, क्योंकि हम जो काम करते हैं उस काम को हम बंद नहीं कर सकते थे। तो सोच कर आए थे कि कुछ तो करना होगा, लेकिन हॉट सीट पर बैठने से 1 सेकंड पहले तक मुझे पता नहीं था कि मैं बैठ पाऊँगी, और मुझे 100% श्योर था कि मैं नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि जब वो उससे पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं ना पास्टर स्विंगर के, तो जब वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे थे, मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, लोगों के कभी सही आ रहे थे कभी गलत आ रहे थे, मेरे सारे क्वेश्चन सही आ रहे थे, सारे आंसर्स सही आ रहे थे, लेकिन टाइमिंग की प्रॉब्लम थी। लोग 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में आंसर दे रहे थे, और मैं 6 सेकंड में, 7 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में आंसर दे रही थी। तो मुझे पूरा श्योर था कि मैं फास्टर स्विंगर तो नहीं पहुँचूंगी, अगर पहुँच जाऊँ तो तब तो कुछ ट्राई करूँ। तो मुझे बहुत मतलब मायूसी थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, और ईश्वर की दया से 2 क्वेश्चंस 2 लोगों ने सही आंसर दिए। तो जब अमिताभ सर ने कहा कि सिर्फ 2 लोगों ने सही आंसर दिए, तो मुझे थोड़ा सा मतलब वो तो 1 सेकंड में बोल गए हैं ना कि 2 लोगों ने सही आंसर दिया, और मैंने कहा कि नहीं, दूसरे ने ही सही पहले दिया होगा, मुझे पता था मेरा आंसर सही है, लेकिन दूसरे, और उन्होंने कहा मेरा नाम, और मैंने कहा वाओ क्या हो गया ये चमत्कार हो गया बिल्कुल। फिर जब हॉट सीट पर बैठी अमिताभ बच्चन के साथ, तो थोड़ा नर्वस थी, मतलब पहली बार बच्चन साहब के सामने? मैं बहुत नर्वस थी, मैं कांप रही थी, और वहाँ इतनी ठंड थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, और फिर वहाँ पे केबीसी की पहले तो टीम आती है और सब कुछ बताते हैं कि आपको, आप शांत हो जाइए, इतनी अच्छी टीम है। मैं पहले तो केबीसी की टीम को थैंक्स देना चाहूँगी कि इतना कम्फर्टेबल फील करवाते हैं और इतना मतलब आसान कर देते हैं सब कुछ, और लेकिन अमिताभ सर के सामने बैठना और फिर एक चूक हो जाए और आप बिल्कुल, इतने सारे मेहनत आपने की है और पूरा ज़ीरो हो जाए, तो मेरे लिए तो पर्सनल लेवल के लिए था नहीं ना, कि अगर मुझे घर खरीदना होता, ये नहीं हुआ तो चलो नेक्स्ट टाइम किसी ना किसी तरीके से तो होगा, लेकिन वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मेरे लिए बहुत सारे सपने थे दूसरों के जो मुझे पूरे करने थे, जिन्होंने उम्मीद बनाए बैठे हैं लोग, तो अब मैं क्या करूं क्या करूं। मैं मतलब मुझे पता था कि अगर मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी तो इसके बाद क्या होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूं। तो मुझे बस, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, और मेरा एक पीपल का ट्री है जो मेरा फ्रेंड है, तो मैं उस पीपल के ट्री को कह रही थी कि कुछ तो हो कुछ तो हो कुछ तो हो यही। और अमिताभ सर तो मतलब जब तक आप मतलब सोचते हैं उसके बीच में, वो एकदम से आपके अपने हो जाते हैं उसी दौरान में, मतलब आपको सोचने का मौका ही नहीं देते, पता नहीं कौन वो अमिताभ बच्चन द ग्रेट से सिंपल एक आपके अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, और कुछ फिर लगता ही नहीं है कि आप अमिताभ सर के सामने बैठे हैं, ऐसा लगा ही नहीं। और फिर जब वो निकल जा रहे थे और मतलब ख़त्म हो जाता शूट, तब लग रहा था फिर से अमिताभ सर, और जब वो आ जाते हैं तो लगता ही नहीं है, वो इतनी बातें करते हैं, फिर आपको लगता है आप भी कुछ बात कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं ऐसा लगता है। हम टीवी में देखते हैं बच्चन साहब कंटेस्टेंट को बहुत नर्वस करते हैं के सही कहा आपने, ब्रेक के बाद आते हैं, हाँ, एक डेरा वाला कुछ क्वेश्चन था और एकदम लो लेवल पे, और मैं एकदम स्टार्टिंग में चले जाऊं, उन्होंने मुझे कहा कुछ कहा कि ये ऐसा है, आप क्या सोचती हैं ऐसा है वैसा है, मैं बिल्कुल रोने जैसा होकर बोले सर सही है कि गलत है, फिर उन्होंने कहा सही है तो कौन से पड़ाव पे आके आपको लगा था कि गलत आंसर होगा मेरा या मैं हार जाऊंगी? अभी अगर मैं सोचूं तो मुझे शायद 1-2 ही क्वेश्चंस थे जो मैं 100% श्योर थी, और सारे पे लग रहा था कि कुछ 1% हो सकता है, जिसमें पे 99% श्योर थी वो भी लग रहा था 1% कुछ हो जा सकता है कि चांस है, तो इसलिए थोड़ा सा आंसर सुनने तक तो बहुत टेंस थी हर चीज़ में। फिर जब 1 करोड़ के क्वेश्चन तक मैं पहुँची, तब तक तो मेरे सारे लाइफ लाइन्स चले गए थे और मुझे पता नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस जब मैंने सुना, तो जब वो क्वेश्चन उन्होंने बताया और आंसर तब तक उन्होंने बताया नहीं था ऑप्शंस, तब तक मुझे लग रहा था शायद मैं इसे वर्कआउट कर सकती हूँ, दिमाग में ऐसा आया, फिर ऑप्शंस आया, फिर ऑप्शंस देखने के बाद फिर थोड़ा सा नर्वस हो गई, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मुझे पता था कि बी के बारे में, कि बी वाला जो ऑप्शन है वो मैंने कभी सुना ही नहीं है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था ये नहीं होगा 90%, और ए वाला मुझे लग रहा था ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये जिस काम से रिलेटेड है उससे थोड़ा सा हटके हो रहा है, तो बी और डी में मुझे थोड़ा सा
और मैं पता नहीं क्यों पहले तो ज़्यादा 60-70% बी पे ही, मतलब सी पे ही इंक्लाइंट थी, सी और डी में था तो सी पे ही मैं इंक्लाइंट थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, डी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अमिताभ सर ने कहा आप ठीक से वर्कआउट कीजिए, तो मैं सोचने लगी, मैंने लगा कि हाँ डी हो सकता है, हो सकता है। और उस समय मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैंने बहुत बड़ा रिस्क भी लिया। 2-4 सेकंड में मैंने एकदम से एक रिस्क लेके और बोल दिया, और मतलब ईश्वर की कृपा से वो सही हो गया। और केबीसी की पूरी टीम ने मेरे लिए प्रे की थी, मैंने जिसको भी मिलती थी मैं कहती आप मेरे लिए प्रे कीजिए, मेरे को प्रे कीजिए। जब 7 करोड़ का क्वेश्चन आया था आपके सामने, तो आपने जो अनुमान लगाया था कि आंसर होगा, और फिर बाद में आपका अनुमान ठीक निकला था या गलत था, और फिर गलत था। 7 करोड़ का आंसर मुझे पता नहीं था। 7 करोड़ का जब उन्होंने प्रश्न बोला, तभी मुझे पता था कि मैंने इस टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, ये मुझे पता था। वो मेरा टॉपिक अलग था, क्योंकि उस पे मैंने, वो नोबेल लॉरेट्स पे था, और वो अगर इंडियन नोबेल लॉरेट्स पे पूछते मुझे कुछ, तो मैं बता सकती थी, या बहुत फेमस फेमस नोबेल लॉरेट्स जो हैं उनके बारे में पूछते तो मैं बता सकती थी। लेकिन वो नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में पूछा उन्होंने, और जिनके बारे में पूछा, मैं सच कहना चाहूँगी कि मुझे उसका आंसर पता नहीं था। लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, और मुझे लगा कि मैं जल्दबाजी में चली जाऊं, और बाई चांस कभी ऐसा ना हो कि बाद में लगे कि नहीं थोड़ा सा और सोचती तो हो जाता। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे डिसीशंस हम जल्दबाजी में लेते हैं, और मैं तो बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे डिसीशंस लेती हूँ, लिया है मैंने फिर मतलब लाइफ में, और बहुत सारे गलत, बाद में लगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए चलिए, मुझे ये दुख नहीं है कि मैंने जल्दबाजी में केबीसी का गेम छोड़ दिया। मैंने सर, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और ज़्यादा टाइम तक अमिताभ सर के सामने बैठी कब से रही। देख रही हैं केबीसी आप? जब से केबीसी चालू है तब से देख रही हूँ। बीच बीच में हमेशा कंटिन्यूअस नहीं देखा, लेकिन देखा। फिर जब जैसे मेरे बच्चे छोटे थे, तो उन दिनों कई बार हो जाता था कि आप बच्चों के साथ बिजी हो, तो कभी केबीसी आया नहीं देखा, लेकिन हमेशा देखा है, देखा ही है केबीसी तो। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि ये नोबल कॉज के लिए आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगी, तो आप अपने थोड़ा एनजीओ के बारे में बताइए। जी, मेरा एनजीओ है फेथ इन इंडिया। फेथ का मतलब है फीमेल ऑरा इनिशिएटेड टुवर्ड्स होप। F फॉर फीमेल, A फॉर ऑरा, I फॉर इनिशिएटेड, T फॉर टूवर्ड्स, H फॉर होप। फीमेल ऑरा इनिशिएटेड टूवर्ड्स होप इन इंडिया। तो महिलाएं अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को, अपने पावर को अच्छे कॉज के लिए डिवोट कर रही हैं। दिस इज फेथ इन इंडिया। हम बच्चों के साथ काम करते हैं और महिलाओं के साथ काम करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज गरीब बच्चे होते हैं महिलाओं, तो उनका जो सर्वांगीण विकास हो, अच्छी आदतें उनमें जाएं। और हमारे झारखंड में बहुत सारे प्रॉब्लम है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, बहुत 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 सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पे डिटेल आप वीडियो बनाएंगे तो पूरी फिल्म बन जाएगी। जैसे अभी आपने कहा कि मतलब फाइनेंशियली आपको अपने एनजीओ के लिए काम करना था और पैसा इन्वेस्ट करना था, लाना था अगर तो जी। मतलब जब इन्वेस्ट करने से, मतलब करोड़पति में आने से पहले आपने कहाँ का ट्राई किया, किस नेता से, किधर किधर बातें की आपने अपनी एनजीओ को लेकर? या नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें उसी क्षेत्र में रहना है, काम करना है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में जितना आप सोच सकते हैं उससे 10 टाइम ज़्यादा हमने दौड़ धूप की है। और मैं थैंकफुल हूँ कि झारखंड के सीएम ने हमें एक बार मदद की है, और लेकिन उनके भी अपने बहुत सारे लाइबिलिटीज़ होते हैं, हमेशा वो कर नहीं सकते हैं सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे एनजीओ का भी 3 साल पूरा नहीं हुआ है, तो सरकारी हेल्प मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। उनका अपना होता है कि 3 साल बाद वो कुछ दे सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हम काम करते हैं, लोगों को पता है वहाँ पर। और जितना जितना आप सोच सकते हैं, जो जो मैं हमारे ऑप्शन से, ऐसा कोई हमें कह नहीं सकता कि ये वाला ऑप्शन था आपने ट्राई नहीं किया, सब कुछ ट्राई किया, और बहुत मुश्किल से बहुत सारा कुछ करके, घर से बहुत सारे पैसे लगाए। हस्बैंड को ज़्यादा खुशी है कि अब घर से पैसे नहीं लगेंगे। तो अब किस तरह से खुशियां मिल रही है, झारखंड से फोन आ रहे होंगे, जैसे अभी हमने सुना कि आपने कहा कि वहाँ के ऐसा कोई एक ही इंसान होगा, बहुत कम लोग होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, सभी जानते हैं, पॉलिटिशियंस या सभी, तो कितना प्यार मिल रहा है, सभी से फोन आ रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं सब? हाँ, व्हाट्सएप पे सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और पता चला है कि सारे पेपर्स वगैरह में लिखा गया है। अभी भी घर पे कुछ पेपर वाले, न्यूज़पेपर वाले पहुंच चुके हैं, और वो मेरे बारे में और क्या लिखेंगे, वो तो उनको तो पता ही है मेरे एनजीओ के बारे में, और वो लिखते ही रहते हैं। हम उनके पीछे भी बहुत दौड़ते हैं कि सर देखिए ये ऐसा नहीं हो रहा, लिखिए ये कीजिए, तो उनको पता ही है। लेकिन उनको केबीसी के बारे में लिखना है अभी, तो वो मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है इस वक्त उनसे, तो इसलिए मैं जाऊंगी तो उनको केबीसी के बारे में बताऊंगी। अभी वो कुछ अनुमान लगाकर ही, या फिर चैनल वालों से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी तो लिख रहे होंगे। तो फैमिली से कितना प्यार मिल रहा है, सब फैमिली से कितना हाँ, प्यार मिल मुझे लग रहा है कि फिर दूसरे किसी की फैमिली है, फैमिली वाले थोड़े अलग हो गए। मुझे लग रहा है ये मेरे ही हस्बैंड है ना।
हस्बैंड को कॉन्फिडेंस था कि जीत के आएंगे आप? ये मैं जाकर उनसे पूछूंगी, वो चले गए ना, तो जब मैं पूछूंगी उनको, शायद उनको लगा नहीं था कि ये ऐसा कर देंगे, इसीलिए उनको थोड़ा सा शॉक हो गया कि अच्छा ऐसा, क्योंकि दूसरा कुछ होता ना, तो मैं रांची में अभी पहुंचने वाली हूँ तो ड्राइवर को भेज देते जाओ उसे लेकर आ जाओ, अभी कल कह रहे थे अच्छा ठीक है मैं आऊंगा लेने, रांची आएंगे मुझे लेने तो पूरा वेलकम की तैयारी कर रखी है एयरपोर्ट पे आपके लिए? मुझे नहीं लगता हूँ, अब मैं इतनी इंपॉर्टेंट उनके लिए कभी होंगी नहीं कि वेलकम करना होगा उनको, ऐसा तो वो करेंगे नहीं और ऐसा कुछ करेंगे ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, अरे मेरा वेलकम ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। थैंक यू हमसे बात करने का, और हम चाहते हैं कि आपका पैसा है सही जगह लगे और सही लोगों में। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।